लोगों का कैसे मुख्यमंत्री जी के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप दाहिने तरफ जो लोग मौजूद हैं, दाहिने तरफ जो लोग, उनको कैसे देखते चले आ रहे हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रभाव कितना बड़ा है रोड शो का, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो सियासी दंगल है, कितनी लोकसभा की सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। अहम सवाल अनुपम आपने पूछा। निश्चित तौर पर ये रोड शो कानपुर की दो लोकसभाओं के बीच के 1.5 किलोमीटर का था, मगर जिस प्रकार से चकेरी एयरपोर्ट जो बॉर्डर पड़ता है, फतेहपुर का जो बॉर्डर पड़ता है, उन्नाव का जो बॉर्डर पड़ता है, कानपुर के एक बांदा की बांदा वाली लोकसभा का, उन तक इसका इंपैक्ट साफ तौर पर आस पास के कई जनपदों तक इसका इंपैक्ट गया, क्योंकि इटावा की भी जो एक लोकसभा है उससे जुड़ी हुई है, उसमें कानपुर के गजनी की बात करें, गिरसी की बात करें, उसमें भी साफ तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ा। कई लोकसभाओं में इसका इंपैक्ट पड़ा, जो मैसेज गया आज प्रकाश से, लोग वहां पहुंचे थे। अब मैं बताना चाहूंगा अनुपम आपको, अब ये क्रॉस करते करते संत नगर पहुंचने वाला है, जो पायलट गाड़ी है संत नगर में पहुंचने वाली है, और लोग हाथ में देखे कैसे बच्चे स्कूल के बच्चे देखे जा सकते हैं, स्कूल के बच्चे हाथ में मोदी आपका स्वागत है और करते, जरा से स्कूल के बच्चे 5 साल के 6 साल के जिनको पेरेंट्स ने गोद में उठाया वो भी इसमें मौजूद हैं, और ऐसे में ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है, रोड शो की गाड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ते बढ़ते पूरा संत नगर चौराहे की तरफ पहुंचने वाली है। संत नगर चौराहा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि संत नगर चौराहे के दोनों तरफ ये है पैसेज के ठीक सामने सबसे बड़ी लोहे की बाजार कही जाती है, कानपुर की सबसे बड़ी लोहे की मंडी कही जाती है, उत्तर प्रदेश में अगर 3rd नंबर की ये मंडी है जहां सबसे ज्यादा लोहा पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जाता है, उस जगह के व्यापारी भी वहां डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो व्यापारी वहां मौजूद हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जी अनुपम अमित, सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए हैं, और अगर आप बता पाए कि अभी कितना रोड शो का एरिया, कितना क्षेत्र अभी बचा हुआ है, कौन कौन से इलाकों से होकर अभी इस रोड शो को और जाना है। देखिए अनुपम मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लगभग इस पूरे पैसेज में लगभग मान के चला जाए कि 8 से 10 मिनट अभी और लग सकता है, ये मैक्सिमम टाइम बताया जाता है, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले पूरे स्ट्रेच अगर हम लोग बाइक से इस गुमटी गुरुद्वारे से कालपी रोड तक के जाएं तो हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं, क्योंकि अब ये रोड शो है और इसमें लोगों को अभिवादन स्वीकार करना, लोगों को देखना, और बहुत इसमें दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, और अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि अब 26 नंबर को भी क्रॉस कर चुका है और एक लास्ट जो ब्लॉक बना है संत नगर चौराहे का वो क्रॉस होने वाला है। अनुपम मैं आपको बता दूं कि लोग डटे पड़े हैं, जो फर्स्ट ब्लॉक में चैन के मोड़ पर थे वही अभी भी सामने मोड़ पर हैं, जिस छत पर हम खड़े हैं जिस मकान की छत पर हम खड़े हैं, मैं अपने कैमरे से कहूंगा जरा मुझे देख पा रहे हो या इसमें कहीं ना कहीं लोग यहाँ दूर तक देखे जा सकते हैं, अभी भी लोग डटे हुए, अपने कैमरामैन से आप देख सकते हैं अनुपम कि लोगों के बीच कहीं से भी जोश का मौका नहीं दिख रहा है, जहां तक पैसेज नजर दे रहा है लोग पहुंचते चले जा रहे हैं जी।